पब्लिक टीवी आपकी आवाज।2019 लोकसभा चुनाव का विगुल बज चुका है, जिसको लेकर मुरादाबाद का प्रशासन आने वाले चुनाव को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहा है। प्रशासन 28 तारीख को होने वाले नामांकन में कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। गौरतलब हो कि 28 मार्च को यहां तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कलेक्टर परिषद और उसके आसपास क्षेत्र में बैरिकेडिंग करके पूरे कलेक्टर परिसर को अवैध किले में तब्दील किया जा रहा है। प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह से बात की गई तब उन्होंने बताया कि 28 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 11 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी और नामांकन कक्ष में पार्टी के केवल 4 से 5 लोग ही जाएंगे। मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन है, इसका नामांकन जिलाधिकारी महोदय के कक्ष में होना है 28 से रात 11 बजे से 3 बजे तक, प्लस ऑनवर्ड जो भी होगी नामांकन किसी टाइम में होगा। नामांकन के समय के लिए अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए चारों तरफ से कलेक्ट्रेट की बैरिकेडिंग कराई गई है। जहाँ जहाँ बैरिकेड्स बनाने की जरूरत है बैरिकेड्स बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ लोगों को रोकना होगा वहाँ वहाँ फोर्स तैनात रहेगी, फोर्स रोकेगी और किसी भी उम्मीदवार के साथ नामांकन करने के साथ साथ उम्मीदवार के साथ अधिक से अधिक 4 व्यक्ति आएंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुकम्मल इंतजाम किए देखते हैं और हर जगह कैमरा लगाया गया है, CCTV कैमरा लगाया गया है। इसके अतिरिक्त वीडियो जिससे हर व्यक्ति की अनधिकृत गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके और उनको अनियंत्रित रोका जा सके।